गणित कक्षा 10वीं एनसीईआरटी त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी सम कोण है, ये भी बराबर 24 सेंटीमीटर और बीसी 7 सेंटीमीटर है। हमें ज्ञात करना है साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस ए। तो सबसे पहले हमें इसकी भुजा ये सी को ज्ञात करना होगा। सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो दिया हुआ है, ये भी बराबर 24 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो समकोण त्रिभुज है, इसलिए हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाकर ऐसी भुजा को ज्ञात कर सकते हैं। तो हम इसमें लिखते हैं पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से जैसे कि पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार। इसे हम उल्टा भी लिख सकते हैं, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सी कर्ण हमें दिया हुआ है ए सी, यहाँ पर एसी का स्क्वायर प्लस लंब हमारा है ये बी, तो ये बी का स्क्वायर जिसमें आधार हो जाएगा बीसी जो कि 7 सेंटीमीटर है। तो अभी हम उसे नहीं लिखेंगे, बीसी का स्क्वायर बीसी का एसी वैसे ही लिखा रहेगा, ये भी हमारा दिया हुआ 24 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस बीसी दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, तो ये 7 का स्क्वायर। अब ये सी का स्क्वायर ऐसे ही लिख देते हैं, और 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 749। अब यहाँ पर हो जाएगा, इधर ये स्क्वायर में है तो उधर जाएगा, तो रूट में बदल जाएगा, हो जाएगा 625 या एसी बराबर 25 सेंटीमीटर हमारा आ गया। यहाँ पर 25 सेंटीमीटर लिख देते हैं। अब हमें जो ज्ञात करना है सबसे पहले वो लिख देते हैं। पहला है साइन ए। तो दोस्तों इससे पहले आपको कुछ सूत्र हैं जो देखनी पड़ेगी, वो आप किताब से देख लीजिएगा। तो साइन ये होता है लंब बटा कर्ण। दोस्तों हमारा यहाँ पर साइन ये कह रहा है, यानी साइन ये, तो साइन ये के जो दिया होता है ये, तो उसके संलग्न जो भुजा होती है उसे आधार कहते हैं। इस समय साइन ये दिया हुआ है, तो अगर साइन ये को हम लेते हैं तो ये तो कर्ण है, इसको हमें कुछ छेड़ना ही नहीं है, तो हमारे ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। तो इस समय हमारा ये आधार हो गया और लंब हो गया बीसी जो कि 7 सेंटीमीटर है, बराबर 7 सेंटीमीटर। कर्ण ऐसे हमारा दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, हमने ज्ञात किया है 25 सेंटीमीटर, यानी ये 7/25। ऐसे ही कॉस ये है, कॉस ये दोस्तों कॉस ये हमारा होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। कॉस ये कह रहा है, तो कॉस ये अगर हम लेते हैं तो कॉस ये लेंगे तो इसका आधार ये हो जाएगा और कर्ण ये हो जाएगा, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है, हो जाएगा 24/25। अभी दूसरे एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हमने लिया साइन सी, तो इसका भी होता है लंब बटे कर्ण, पहले इसको लिख देते हैं लंब बटे कर्ण बराबर। अभी इसको पहले देखते हैं, साइन सी दिया हुआ है, तो साइन सी
ये हो जाएगा। तो जो इसके संलग्न भुजा होती है यानी ये वाली भुजा, तो ये आधार बन जाती है उसका। और जो इसके सामने की भुजा होती है यानी सम्मुख भुजा, ये उसका लंब बन जाती है। और ये वाली भुजा आधार बन जाती है, जो संलग्न होती है वो आधार होती है और जो उसके सम्मुख भुजा होती है वो लंब होती है। तो यहाँ पर लंब हमारा हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। 24 बटा 25 तो हमें ये ज्ञात ही है। ऐसे ही हम दूसरा भी लिख लेते हैं, कॉस सी तो ये आधार बटे कर्ण होता है, ये भी आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर कॉस सी तो आधार हमारा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, बराबर 7/2 और कर्ण तो 25 सेंटीमीटर हमारा है ही, इसके पीछे सेंटीमीटर लगा देते हैं। तो दोस्तों हमारा 8.1 का पहला सवाल लेकर कंप्लीट हो गया। दोस्तों ये हमारी पहली वीडियो थी, अगर हमसे कोई भी गलती हुई हो तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहेंगी।